को स्वच्छता के चलते 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का गौरव मिला। गांव की सफाई की पूरी जिम्मेदारी यहां के स्थानीय लोग मिलजुल कर निभाते हैं। क्लीनलीनेस इन मौलानंग इज लाइक अ हैबिट, इज लाइक द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ मौलानंग, बिकॉज़ एवरी पीपल ऑफ मौलानंग टेक पार्ट्स इन क्लीनिंग, दे क्लीन देयर ओन कंपाउंड्स, दे क्लीन देयर आवर फुटपाथ्स एंड एवरीवेयर। मावलिन नोंग में करीब 100 घर हैं, हर घर में शौचालय हैं, सड़कों पर कचरे का नामो निशान नहीं, पक्के रास्ते, सोलर लाइट से रोशन गलियां और हर कोने में बांस के बने कचरादान हैं। गांव में प्लास्टिक की थैलियां और धूम्रपान पर पाबंदी है, इसके लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं जिन्हें तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है। यहां से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों में काम आती है। वहीं अकार्बनिक कचरे को बांस के बॉक्स में इकट्ठा कर शिलोंग रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। Since our past, since our grandfather or forefather, we are start to clean our village. Then through them, they teach us how to make clean. Then they teach us to clean every morning. So sometimes evening times, but with the help of the community, so everyone or every household they take part to clean their own surrounding, like the compounds and the footpath. सफाई के कारण अब ये गांव पर्यटन का केंद्र है। यहां आने वाले सैलानी से प्रवेश शुल्क लिया जाता है। पर्यटकों का मानना है कि यहां यूरोप के कुछ शहरों से भी ज्यादा सफाई है। I found this is a nice place and very calm and all those cleanliness. It's really needed actually. So it's actually cleanliness actually is a message to every people that when you clean your outside, then your heart will be clean, then your everything will be clean. 100% साक्षर इस गांव में स्वच्छता का आलोक करीब 30 साल पहले जगाया गया, जब बार-बार महामारियों की चपेट में आने से परेशान लोगों ने गांव को साफ सुथरा रखने का फैसला लिया। गांव के लोग कुदरत के काफी करीब हैं और यहां आपको पुराने बरगद से बने लाइव बीट रूट ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जिस देश में अभियान चलाया जाता हो, उस देश के इस छोटे से गांव ने सफाई की वजह से पूरे प्रदेश और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर दिया है। संदेश साफ है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्वच्छता जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सरकार को जरूरत है कि इस तरीके के गांव को आगे बढ़ाने का मौका दे, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके के एक नहीं बल्कि हजारों लाखों मावलिलोंग पैदा हों। मेघालय के मावलिलोंग गांव से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और समय रविंद्र सिंह शोरान शिलोंग से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, एक तरह से देखा जाए तो पूर्वोत्तर में कांग्रेस सत्ता बचाने की चुनौती है कांग्रेस के सामने, वहीं बीजेपी चाह रही है कि वो अपनी सरकार बनाए जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां। आपने एक साफ स्वच्छ गांव की तस्वीर भी हमें दिखाई, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहां लोगों के जो मुद्दे हैं वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर इस समय सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए भी अब 3 दिन का वक्त और है। हम आपको रोकेंगे रवीन, माफ करेगा, हम सीधा चलेंगे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वार्ता के बाद। अब वो प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं, सीधा आप वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं। And on the Indian side, Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice, Electronics and Information Technology. Of reference for the India-Canada Ministry of Energy dialogue between the Indian Ministry of Petroleum.
energy dialogue between the Indian Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Canadian Department of Natural Resources. This will be exchanged on the Canadian side by the Right Honourable Chrystia Freeland, Foreign Minister, and on the Indian side by Sri Dharmendra Pradhan, Minister of Petroleum and Natural Gas. The third document is an MOU between the Indian Ministry of Youth Affairs and Sports and the Department of Canadian Heritage, Sports Canada, on cooperation in sports, to be exchanged by the Canadian Minister of Sports and Persons with Disabilities, the Honourable Christy Duncan, and on the Indian side by Colonel Rajwardhan Singh Rathore, Minister of Youth Affairs and Sports and Information Broadcasting. Number four, MOU between the Department of Industrial Policy and Promotion of the Indian Ministry of Commerce and Industry and the Canadian Intellectual Property Office on cooperation on intellectual property rights, to be exchanged by His Excellency Mr. Nadir Patel, the High Commissioner of Canada to India, and by Sri Ramesh Abhishek, Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion. Fifth, Memorandum of Understanding on Cooperation in Higher Education, to be exchanged by His Excellency Mr. Nadir Patel, the Canadian High Commissioner, and Sri R. Subramaniam, Special Secretary, Department of Higher Education. The sixth and final document is a Memorandum of Understanding between the Indian Department of Atomic Energy and the Canadian Department of Natural Resources concerning cooperation in the fields of science, technology and innovation, to be exchanged by the High Commissioner of Canada, His Excellency Mr. Nadir Patel, and by Dr. Shekhar Basu, Chairman, Atomic Energy Commission and Secretary, Department of Atomic Energy. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to you all to this press event. To begin the proceedings, may I request the Honourable Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency, the Right Honourable Prime Minister Trudeau, distinguished delegates, members, friends from the media, भारत के राजकीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ट्रूडो का स्वागत करके मुझे खुशी हो रही है. हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका पहला दौरा है. उन्होंने अपने पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के साथ 1983 में भारत का दौरा किया था. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका दौरा बहुत समय से प्रतीक्षित था. हमें प्रसन्नता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए हैं. हमें यह भी खुशी है कि हमारी आज की मुलाकात से पहले आपने भारत के विभिन्न शहरों का दौरा किया है. वर्ष 2015 में कनाडा की मेरी यात्रा 42 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली. तब मैं वैंकूवर, टोरंटो और ओटावा गया था. भारत के प्रति कनाडा की जनता के लगाव और प्रेम का मैंने अनुभव किया. मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी कनाडा के प्रति भारत में गर्मजोशी और स्वाभाविक बंधुत्व का अनुभव किया होगा.
उन्होंने हमारे देश की विविधता और हमारे लोकतंत्र की जीवंतता को भी महसूस किया होगा। फ्रेंड्स, कनाडा के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने को भारत बहुत अधिक महत्व देता है। हमारे संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित है। व्यापार और निवेश से लेकर ऊर्जा तक, विज्ञान और इनोवेशन से लेकर शिक्षा और कौशल विकास तक, सागर से लेकर अंतरिक्ष तक, हर सेक्टर में भारत और कनाडा का एक साथ काम कर सकते हैं। हमारी आज की चर्चा में हमने अपने संबंधों के पूरे आयाम की समीक्षा की और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ठोस उपायों की पहचान की। सबसे पहले हम अपने सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद और उग्रवाद भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों के लिए खतरा है। इन ताकतों का